सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो क्या चल रहा है तुम लोग का? अब देखो, तुम्हारा और मेरा कुछ चले ना चले, लेकिन मोटिवेशन वालों का जिंदगी बहुत खतरनाक वाला चल रहा है, क्योंकि हमें ना आजकल लाइफ में कुछ भी करने के लिए एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे सुबह नींद से उठने के लिए मोटिवेशन चाहिए, खाना खाने तक के लिए भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, हमें अपना काम करने के लिए भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, यहाँ तक कि एक बंदी हमसे पटाया नहीं जाते। हम इतने निठल्ले बेरोजगार कामचोर चप्पल चोर हो चुके हैं आजकल कि एक बंदी नहीं पटा सकते अपने दम पर, उसके लिए भी हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। दो तरीके, एक तो जाते लूम गया दे, लाद देगी गोबर कर देगी तेरे ऊपर, जाते लूम गया दे बाप का राज दे, पहले पानी फेंक फिर ऐसे कर, अरे मारी काली। ज्यादा सोचना नहीं है, ये आजकल के हमारे भारत के एवरेज मोटिवेशन स्पीकर जो तुम्हें हर जगह ऐसे कुछ देखने को मिल जाते हैं। हाँ हाँ सही छे बेटा, ओके छे ना। अब ये हमें भरे ऑडियंस के सामने गाय से दूध कैसे निकाला जाता है वो बता के लोगों को मोटिवेट कर रहे। अब ये तो कुछ भी नहीं है, अगले दिन देखना तुम्हें फोन को चार्ज कैसे करना है वो बोल के मोटिवेट कर देंगे, बॉटल से पानी कैसे पीना है वो बोल के मोटिवेट कर देंगे, क्योंकि हमें तो हर चीज करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है ना। साइंस कहती है मेंढक कितना ही जमीन के नीचे दब जाए नहीं मरता, लेकिन दही में गिर जाए तो मरेगा। एक आधी भगोनी दही की भरी थी, दो मेंढक गिर गए, तो एक ने तो प्रिंसिपल फॉलो किया, भाई दही में गिर गए अब तो मरना ही है, तो वो तो मर गया। मुझे एक बात बताओ, मेंढकों को कब से साइंस के ट्यूशन मिलने लगे? हम इंसानों को तो अब तक बेसिक एजुकेशन ठीक से नहीं मिल पा रहा। बात तो सही है। और दूसरे ने देखा मर तो रहे ही हैं, लेकिन जब तक नहीं मर रहे तब तक नए प्रयोग जिंदगी के साथ कर ले। उसने हाथ पांव हिलाना चालू किया, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। एक काम करो, इसी को ही पकड़ के दही में गिरा दो, फिर पता चलेगा ये मेंढक है या इंसान, कितना फुदकता है। बहुत बड़ी दौलत के मालिक बनना चाहते हो, 108 बार प्रॉफिट 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 माला फेरा करो, प्रॉफिट शब्द की धरती फाड़ के प्रॉफिट को आना पड़े। रशियन 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 सौ बरस पहले तक भारत में कभी गिलास नहीं था, लोटा था। लोटे से हजारों वर्षों से भारत पानी पी रहा था, देश में पाइल्स नहीं थे, गिलास के बाद पाइल्स आ गए। अरे कहना क्या चाहते हो? गिलास नीचे से चपटा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृष्ठ तनाव कई गुना बढ़ता है पानी का। फिर लोटे में क्या था? लोटा गोल था, पानी कंफ्यूज था, साला जाऊं किधर नहीं जाऊं किधर। देखो ये न्यूटन और उसके ग्रेविटी के चक्कर में ना हम बच्चों का बचपन ऐसे ही उजड़ चुका था, अब तुम ये पाइल्स का इल्जाम भी अगर ग्रेविटी पे लगाओगे ना, अब न्यूटन में बिचारा ऊपर से गाली देता होगा तुमको। अरे भैया बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे। अब यही रहेगा मोटिवेशन के नाम पे, लोगों को चिल्ला चिल्ला के डरा डरा के भगा दो। अब तुम्हें सुबह नींद से उठने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक खतरनाक वाला टिप्स देता हूँ, तुम इसको अलार्म का रिंगटोन बना के सेट कर लो, देखना अलार्म बजने से पहले तुम नींद से उठ जाओगे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं स्टार्ट वॉकिंग इनसाइड द वाटर वर्धमान, जैसे ही शरीर को हिला छोड़ा गुरु उनके ऊपर चढ़ गया, और उसके बाद 20 सेकंड 25 30 40 45 बेचारा मोटिवेशन लेने आया था पिटके जा रहा। जो बंदा चिल्ला चिल्ला के डरा डरा के मोटिवेशन देता हो तुम उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो भला? अब ऐसे ही चलता रहा ना तो अगले सेमिनार में देखना मोटिवेट करने के लिए अफगानिस्तान से AKM और Mini-14 लाएंगे, तुम्हारे पास पे बैठे हुए बंदे पे 2 हेडशॉट मारने के बाद तुमसे आके पूछेगी समझ आया, फिर देखना तुम्हारे दिमाग से बुद्धियों की गुच्छरे उड़ने लगी, बिजनेस आइडिया फिर तड़पने लगेंगे दिमाग के अंदर से, फिर तुम बन जाओगे बिजनेस टाइकून। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा business.com, वापस आ चुका हूँ, फॉर्म में चल रहा हूँ, वाजपेयी सरदार पटेल रतन टाटा मारवाड़ी अब्दुल कलाम सुभाष चंद्र बोस राधा कृष्ण दमानी कंट्रोल
एक बार एक बंगाली लड़की मुझे मिली और मेरे को देख के बोली हॉट। मैंने कहा हॉट बोल रही है मेरे को, बाद में समझ में आया कह रही है साइड हॉट, साइड हटने को बोल रही थी। मुझे बहुत जोर से लाफ आ गया। एक सेकंड, ये बंदा सीरियसली गूगल से जोक उठा उठा के कॉपी पेस्ट कर रहा है। अबे तुम यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडियन बनने आए हो या मोटिवेशन स्पीकर? लोगों को ऐसे मोटिवेट करोगे तुम? अबे शुक्र करो हॉट तो बोला, हमारे यहाँ की लड़कियाँ हॉट नहीं बोलती है, सीधा हटा देती है। एक डेढ़ घंटा बैठे को गाना खत्म हुआ तो हमने कहा अब, बोला कुछ नहीं कल फिर आइए 1 बजे भोजन पे। तो हमें बाद में समय में आया वो भोजन नहीं था, भजन को भोजन बोलते हैं। तुम ही भोजन कीर्तन कौर बे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तुम्हें बंगाल में आके सबसे पहले गंगा में डुबकी लगाना चाहिए था, आधा बंगाली तो वहीं सीख जाते तुम, भोजन कीर्तन की जरूरत नहीं पड़ती तुमको। अब मैं तुम लोगों को विवेक बिंद्राज, सॉरी डॉक्टर विवेक बिंद्राज जी के बारे में बताता हूँ। ये लोगों को ज्ञान पेलने में डॉक्टरी कर चुके हैं। इनके मोटिवेशन स्पीकर होने से लोगों का बड़ा बिजनेस होना हो, लेकिन इनका बिजनेस जरूर बड़ा हो चुका है। तुम्हें पता है हमारे ये विवेक बिंद्राज जी ना इतने रियल कॉन्टेंट प्रोवाइड करते ना, इतने रियल कॉन्टेंट प्रोवाइड करते ना, हमारा अगला जो अभिषेक भाई ना वो इसके ही तो जोक चुरा चुरा के अपने स्टैंड अप कॉमेडी में कॉपी पेस्ट करता है। रीजन दे दिया क्योंकि लगा के आप ऐसे जाके बोल भाई साहब मैं आगे निकल जा, क्यों आगे निकल जाओ, नहीं जाने दो, जाने दो नहीं मैं प्लीज प्लीज। तो क्या आदमी में गुस्से में तो आपकी बात रिपीट करता, घर की माई भी ऐसे करती थी ना, मैं 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाऊंगा, 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाएगा। बहुत तो लगता है जो मैंने लिखा था, बट सच ये है कि एक्चुअली वो जोक मैंने चुराया था किसी से, जिसे चुराया था उनका नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उन्होंने फाइनली वो जोक अपलोड कर दिया है 17 अगस्त 2021 को। एंड I'm just so sorry I did it. आपको सार्केज्म था, कमेंट सेक्शन में गाली मत टाइप करो। बस गाइस आज के लिए इतना ही, मैं वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ, बहुत देर से बना रहा हूँ, I know तुम लोग मेरे से थोड़ा नाराज हो इस वजह से, बट थोड़ा कुछ इश्यूज प्रॉब्लम की वजह से ये थोड़ा लेट हो रहा है, बट आई फिक्स इट सून। एंड अगर तुम कहीं से भी देख के ये चैनल पे नहीं आ रहे हो, तुम अगर डायरेक्ट सब्सक्राइबर्स हो और तुम नोटिफिकेशन देख के ये वीडियो को देख रहे हो तो थैंक यू। एंड तुम्हें पता है तुम्हें वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, ऑफकोर्स तुम्हें कमेंट करके सबसे बेस्ट पार्ट तुम्हें मेंशन करना है, जिससे मुझे थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ तुम लोग मेरे वीडियो को पूरा देखे हो। एंड इसी के साथ प्यार बनाए रखना तुम, बस थैंक यू फॉर वॉचिंग।